हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पी गारमेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्रोशिए से इस तरह के बॉर्डर आप कैसे बनाएं। इस तरह की बॉर्डर का यूज़ आप बहुत से प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी की स्वेटर बनाइए या ब्लाउज़ हो गया, किसी के भी बॉर्डर में इस ढंग के क्रोशिए की डालकर आप दे सकती हैं। ये मैं हैंड ग्लव्स बना रही हूँ, उसकी बॉर्डर अभी थोड़ी सी बनी है, इसे और लंबी बनाऊंगी। तो थोड़ा सा बॉर्डर बनाकर मैं बताऊंगी कि इसे कैसे बनाते हैं। ये जेंट्स की ग्लव्स है और ये वर्धमान के लीज़ा यार्न से बनाई हूँ, जो 4-ply यार्न है। और इसमें जो मैं क्रोशिया यूज़ की हूँ वो 3 mm की क्रोशिया है ये। इसे शुरुआत कैसे की हूँ वो अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी। ये मैं 40 चेन पर शुरू की हूँ, 40 चेन लेने के बाद फिर 3 chain एक्स्ट्रा लेकर और फिर ये बॉर्डर बनाना शुरू की हूँ। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ डिज़ाइन बताऊंगी कि इसे कैसे बनाते हैं। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी मैं 10 chain पर आपको ये बॉर्डर बनाना बताऊंगी। 10 chain लेने के बाद 3 chain एक्स्ट्रा लेते हैं, 1, 2, 3। और उसके बाद ये 10वें, ये जो 10 chain ली हूँ ये यहाँ पर पहला वाला जो इसका चेन है उसमें एक फंदा लेकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेकंड चेन में भी डबल क्रोशिया, हर चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये पूरे चेन पर डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से यहाँ पर 3 chain लेते हैं और इसे पलट लेंगे। अब सेकेंड रो में देखिए डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। ये जो 3 chain हैं ये फर्स्ट ये वाले डबल क्रोशिया को काउंट करेंगे और उसके बाद वाले डबल क्रोशिया में देखिए इस ढंग से क्रोशिया को डालते हैं, इस ओर से डालेंगे और पीछे की ओर से निकालते हुए फिर से इसे आगे ले आते हैं और यहाँ पर फंदा लेकर इसे खींचेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर से फंदा लेंगे और इस वाले लॉन्ग में पीछे की ओर से ठीक इसी ढंग से बुनते हैं। फिर से एक फंदा लेंगे, इस बार आगे की ओर से और नेक्स्ट पीछे की ओर से। ये पूरी रो इसी ढंग से बुन लेंगे, एक बार आगे की ओर से बुनेंगे और एक बार इस ढंग से पीछे की ओर से। इस बार आगे की ओर से, इस बार पीछे की ओर से, फिर से आगे की ओर से, ये देखिए ये सेकेंड रो कंप्लीट है। अब देखिए इसकी डिज़ाइन दोनों ओर से दिख रही है। अब फिर से 3 chain लेंगे, इसे पलट लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो आगे की ओर से है उसमें आगे की ओर से ही लेंगे और जो पीछे की ओर से है उसे पीछे की ओर से लेंगे। हर बार इसी ढंग से बुनकर इस पूरे बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे, आप जितनी लंबी चाहें।
लेकिन एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि बॉर्डर हमेशा इस ढंग की बनानी चाहिए किसी भी स्वेटर में जो थोड़ी स्ट्रेचेबल हो, क्योंकि फैलने वाली बॉर्डर की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। ये इस ढंग से देखिए इसकी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत, दोनों ओर से बिल्कुल एक जैसी दिखेगी। जैसा कि मैं इसमें शुरू में जब मैं चेन बनाई थी तो इसे राउंड कर दी थी और राउंड राउंड बना रही हूँ ताकि ये कहीं पर भी जोड़ ना आए इसमें, क्योंकि फिंगर में भी मैं इसमें राउंड ही बनाऊँगी जो कि कहीं पर भी दस्ताने में जोड़ नहीं आएगी। अब इसमें भी बना कर दिखा दे रही हूँ, इसमें पीछे की ओर से बुन चुकी हूँ, अब यहाँ पर आगे की ओर से एक डबल क्रोशिया और इसमें पीछे की ओर से एक डबल क्रोशिया, फिर से इसमें आगे की ओर से एक डबल क्रोशिया और इसमें पीछे की ओर से एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए इसे थोड़ी और लंबी बनाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।